यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा सरकार ने अब स्कूल बसों की ओर से नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने परिवहन विभाग के ACS और निदेशक के साथ बैठक की। बैठक में कृष्णलाल पवार ने अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने और स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक में फैसला लिया गया कि सभी नियम पूरी करने वाली बसों को ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही बैठक में फैसला लिया गया कि ऑटो और जीप जैसे वाहनों में स्कूली छात्रों को बैठाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक के बाद सभी जिलों में GM को कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूली जो बस है, दूसरे ने जो प्राइवेट बस है, समय समय पर उनकी जब भी फिटनेस होते हैं फिटनेस करते हैं, और जो फिटनेस के जो नॉर्म हैं जो पूरा करते हैं, तो तब इसको हमारे MVI सर्टिफिकेट जारी करते हैं। चाहे उसमें GPS है, चाहे CCTV कैमरे हैं, तो सभी नॉर्म जो है कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद उसको फिटनेस जारी करते हैं। तो कोई भी स्कूल या बस है जो उस स्कूल के खिलाफ या जो बस है उसको इम्पाउंड करें, उस पर फाइन करें, तो इस प्रकार का हम अभियान जारी करेंगे। मैंने आज ही अभी अपने ACS और DG की मीटिंग ली है, तो सारी बातें उनको मैंने कही हैं। दूसरा, जो स्कूल अनऑथराइज जैसे कोई जीप में कुछ जूस में इस प्रकार के बच्चों को लेकर जो आते हैं ऑटो वगैरह में, तो उसमें हमारे GM को पावर है। हम GM को निर्देश देंगे इस प्रकार के ऑटो के अंदर जो कुछ जीप के अंदर बच्चों को सवारियाँ लेकर आते हैं, समय समय पर हमारे GM चालान करते हैं, तब इसका विशेष ध्यान रखेंगे और चालान कराएंगे।